दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर हम 8वीं 10वीं 12वीं और ITI पास के लिए यहाँ पर बम्पर भर्तियों की अपडेट लेकर आए हैं। कुछ भर्तियों के लिए यहाँ पर आपको एग्जाम में भी पार्टिसिपेट नहीं करना होगा, सीधी भर्ती हैं। ऑल इंडिया के वैकेंसीज हैं, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। 7 अगस्त 2019 से पहले पहले आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, किस विभाग के अंदर ये भर्तियाँ निकली है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। क्लर्क टाइपिस्ट, हेल्पर, जूनियर इंजीनियर, पियोन ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, सर्वेवर, टेक्निकल असिस्टेंट और असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पर 865 खाली पद हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो। सैलरी यहाँ पर आपको ₹15,000 से ₹1,12,400 के रूप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। कैंडिडेट का कम से कम 8वीं या फिर 10वीं या फिर 12वीं या फिर ITI या फिर डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैंडिडेट की मिनिमम आयु सीमा 18 साल और मैक्सिमम आयु सीमा 38 साल रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो। जैसे कि ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ₹700 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, वहीं रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल ₹500 आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आप इस भर्ती के लिए कर सकते हो। जॉब लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है mahapariksha.gov.in। इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 7 अगस्त 2019 है। ये थी इस भर्ती की पूरी जानकारी। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करके पूरी डिटेल उसमें से रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF है। इसको ओपन करके आप यहाँ से पूरी डिटेल इसमें से विस्तार पूर्वक 1x1 करके रीड कर सकते हो। पूरी डिटेल आप वीडियो पॉज करके या फिर इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके उसमें से 1x1 करके रीड कर सकते हो। यहाँ पर इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में आपको इस भर्ती से रिलेटेड पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक दी गई है, जो कि आप यहाँ से रीड कर सकते हो। देन उसके बाद ही आप इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट पर यहीं पर डायरेक्टली दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। ये ई महापरीक्षा पोर्टल है जिसके माध्यम से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को एक्यूरेट डिटेल के साथ भरकर लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट कर देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।